सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं इस समय सिरौली में अपनी मौसी के यहाँ आया हूँ। और आप देख सकते हैं मैं इस समय छत पे हूँ और सामने मेरे बंदर है। भाई मैं जब वीडियो शूट कर रहा था तो अचानक से बंदर आ गया और अब मैं यार घबरा गया और उसने भाई कुछ किया नहीं और कितनी सीधा बैठा हुआ है। और हमारे गांव के जो बंदर है ना वो तो इतने में तो काट लेते भाई। और ये झंडा, सपा का झंडा दिख रहा है आपको, ये झंडा लगा हुआ है और सामने आपको घर दिख रहे होंगे। और ये पेड़ बहुत पुराना पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है। और मैं आपको पूरा व्यू आपको दिखाऊंगा, सामने का पूरा व्यू आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। देखो मैंने पूरा फोकस कर रखा है, पूरा व्यू दिखा रहा हूँ आपको। ये सामने और वो दो टावर भी आप देख रहे हो, टावर भी हैं। और पीपल का पेड़ बहुत पुराना पेड़ है। और सामने आपको नीचे दिखाता हूँ, नीचे भैंस चारा कर रही है, चारा खा रही है। और एक आंटी जी हैं वो, और ये गाय भाई, गाय खा नहीं रही है। भैंस भाई बहुत तगड़ी भैंस हो रही है, गाय भी बहुत तगड़ी हो रही है। और सामने आप देख सकते हो, सामने आंटी चूल्हे पर रोटी बना रही हैं और अंकल जी आए हैं और कुछ वार्तालाप हो रही है दोनों के बीच में। पतीली में कुछ बना रही हैं। अब हम गाइस नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। गेट ओपन किया हमने, ओपन करने के बाद सामने आपको दिखा रहे हैं। और ये गेट लगा, लॉक लगा दिया। अब नीचे चल रहे हैं और ये सब, ये आप देखो कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे हर तरीके के फूल लगे हुए हैं, देखो ये मुझे ये होता है, बहुत बढ़िया व्यू तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम नीचे चल रहे हैं, सामने हाँ आपको दिखाऊंगा। हम इस वाले कमरे में आए हैं, आपको कमरा। फिर हम ये मामा जी अंदर जाते हुए, मामा को बहुत ठंड लगती है। मामा कल हम मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो मामा को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मामा घर से ही लोई ओढ़ के आए थे। और ये हमारी मौसी हमारी मौसी जी, कैसा बता रहे हैं, वीडियो बना रहा हूँ। मौसी जी, ये हमारी मौसी जी हैं। कल मैं जब आया तो मेरे को पता नहीं था, तो मैंने पूछा तो बोले मैं आपकी मौसी लगती हूँ। तो उन्होंने बताया, अच्छा मैं पहली बार आया हूँ ना मौसी जी के घर पे, और मुझे मामा ने भी नहीं बताया था। तो उस समय में कल हम आए थे घर से, हम चले थे 5 बजे चले थे और रात में हम चाय पी ली। मम्मा पी लो, कहाँ से? अच्छा अब तो ना लग रही है ठंड मम्मा? अच्छा दवाई खा रहे हैं मम्मा? काहे की मम्मा?
है कि दवाई बेड। अरे भाई मम्मा मौसी मौसा जी कहाँ गए? खेत पे गए हैं। अरे वो ना जानवर इनको देखा ना ना। और अच्छा तो लेवल के काम गए हैं। अच्छा यहाँ गन्ना मिल कहाँ जाते है? सेंटर पर सवा है। सेंटर पर जाते कोलू हो चलता कोलू पड़ जाते। अच्छा अच्छा गन्ना मिल सिरौली में है फैक्ट्री? ना फैक्ट्री ना है। फैक्ट्री खत्म है क्या यार? ना नीचे फैक्ट्री। अच्छा एक रामपुर में भी तो ये गन्ना फैक्ट्री को तो बंद हुई की कहते ही जब बड़े नहीं लगते ना सिरौली। अच्छा 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 तो यहाँ से बरेली कितनी दूर रह जाती है? 60 किलोमीटर। अरे कितनी? 60 किलोमीटर। अच्छा 60 किलोमीटर बरेली है और 60 किलोमीटर मुरादाबाद है यहाँ से। अच्छा बरेली पे दोनों लोग। हाँ और 60 किलोमीटर 60 से कम है। हाँ। चंदोसी 55 है। अच्छा अच्छा हाँ, तीनों एक बराबर एक बाप है तीनों। अच्छा एक डेढ़ घंटा वहाँ जाते डेढ़ घंटा मुश्किल से ला। अच्छा अपने मीरगंज से तो 30 किलोमीटर है ना बरेली? जैसे हाँ रामपुर भी 30 किलोमीटर हुए वहाँ से मीरगंज से। और मुरादाबाद कितने हुए वहाँ से? मुरादाबाद दूर हुए ऐसे हुए वो 60 किलोमीटर तो हुए वही लपेटा 60 किलोमीटर हुए। अच्छा अब बालकन को तो कोई दिक्कत ही ना है तो बाल आ गए। जुकाम तो नहीं रही मम्मा? ओ दवाई रख तो साथ में। अच्छा तबीयत तो खराब ना है भाई? और रात में बड़ा गर्मी लागे जा कमरा में। रात में गर्मी लगी गेट खोलो ना आपने। और पहले हम बाद में गेट खोलो हमने चद्दर पहले चद्दर मांगा ना क्या भाई हमें दो जाड़ो सर्दी लगा सर्दी आ जाओ लगी चद्दर हमने नहीं मांगी। अच्छा हाँ क्या गर्मी लगी? रात गर्मी लगी सब बंद कर लो उतरे। फिर मम्मा उठे मम्मा ने फिर गेट खोलो। अच्छा है कि मम्मा को तो ठंड लगती है अब काहे गेट खोल रहे हैं? और मोदी जी कह रहे लोही और देते मम्मा लोही मांगा नहीं कह रहा अच्छा ना वो ऐसा हुआ ना वो खुलो वो ना एरिया इसलिए ठंड लगती है। वैसे यहाँ गंगा खा रहा है ठंड तो ज्यादा लगती है। हाँ बहुत है मगर मकान जो जिस हिसाब से बन हुआ ना खुले में ना है ना बंद में है। बंद में है और वो तो खुले में है व्यू तुम्हारे सामने खुले मकान बहुत अच्छे लगते हैं। आज बंदर के मारे बंद करना पड़ते हैं बंदर बहुत परेशान करता है अकेले कहाँ भाग फिरो चप्पल लेना कपड़ा लेना। अभी मैं छत पे पहुंचो अचानक से बंदर एकदम आए वो अब भाई मैं तो घबराया वो एकदम तीन मोबाइल खत्म हो गए। अच्छा तीन मोबाइल खत्म हो गए और जो हालत कर दे एक तो जो अभी परसों पहले दिन ना जो मोबाइल का हाल बिगाड़े देखा देखी। अरे भाई ये बड़े मोबाइल लेते ही ना जाके मार छोटे वाले डाल दे देखो अरे सैमसंग को भेजो तो तीन मोबाइल खत्म हो गए चौथे हुआ। अरे ले गए पता ही ना कहाँ गई अंदर आ जाता हूँ जी वहाँ बाहर ना बैठक में बैठी। अच्छा इन्हें दीवार खोल रही। अच्छा इन्हें पता उन्हें लागे ले अरे अच्छा और ये हमारे लिए नाश्ता तैयार हो गया और भाई हलवा हलवा देखते हैं हलवा।
हलवा इसमें गोला पड़ा है ना, पकौड़ी और ये हलवा और ये मामा, मामा बैठे हुए हैं। मामा के लिए चाय तो लाओ मौसी, भूख लग रही है मामा? लग रही होगी। अरे ना मामा है? अच्छा, तो यार और ये देखो क्या व्यू नज़र आ रहा है, ये भाई प्लेटें सजी हुई और खाने वालों का इंतज़ार हो रहा है, और मौसी जी दो कप में चाय ले लाते हुए और रखती मौसी जी ने। थैंक यू मौसी जी। और मौसी जी फिर किचन में, और मामा ने चाय स्टार्ट करो मामा, ना आप करो ना, मैं तो कर दूंगा स्टार्ट। और ये क्या है ना मौसी? सॉस है। अच्छा सॉस है, करो मामा। मामा अरे लो कर लग, लो भाई पकौड़ी, और मामा ने भी स्टार्ट कर दिया। गरम है ना? ज्यादा आएगा? अच्छा अरे ना मामा हम बाला, अच्छा हम बाला गए क्या ऐसी हो? मामा लाइट आ ना रही मामा से? अच्छा जाए तो मैं गाऊं लाइट ना जल रही। अच्छा वो काम सही करो। कैसे लगे मामा? है मामा कैसे लगी पकौड़ी? सही है मामा, बहुत रूखो रूखो जवाब आते है, सही है। मौसी बोली मामा से कि नमक तो तेज ना है, मामा बोले ना। अब मामा खुश भए। मौसी जी अच्छा मामा तो सभी खा लेंगे, क्यों सब चीज खा लेते हैं मामा तो। अब मखाने भूनते हुए अब चलो गाइस, मैं यहीं पे अपनी वीडियो को विराम करता हूँ, और मेरी वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। राम राम जी।